हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड बर्फी, जो कि बहुत आसान है। वो 15 मिनट में बन जाएगा। घर के ही सामग्री से आप बना सकते हैं ब्रेड बर्फी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ब्रेड है, हम ब्रेड के साइड के सभी कटिंग कर देंगे। देखिए, देखिए इसी तरह हम सारा ब्रेड काटेंगे और ये जितने साइड की हम जो काट रहे हैं उसका हम ब्रेड क्रम बना लेंगे, ताकि कटलेट में उसमें सारे हम इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिए 7 ब्रेड है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सर जार में। इसको तोड़ कर डालें। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। देखिए मैं इस मेजरमेंट से सारा ब्रेड क्रम नापूंगी और देखूंगी। एक कप, दो कप, दो कप ब्रेड क्रम और ये रहा अमूल पाउडर 1 कप और दूध 1 कटोरी। अब इसको हम गैस में बिठाएंगे। अब इसमें चीनी आप स्वाद अनुसार डालिएगा। देखिए मैं 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब इसको हम हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। इसको लो फ्लेम में आपको रखना है, ज्यादा हीट नहीं करना है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। देखिए घी डालने पर ये इतना अच्छा इसका कलर आ गया है। देखिए अब ये हो गया है। अब इसको हम प्लेट में इसको अब ठंडा करेंगे। देखिए 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच पिस्ता बादाम, इसमें नारियल में डालूंगी। ये कच्चा नारियल है। इलायची पाउडर, इसको मैं डबल पार्ट में कर रही हूँ। एक ऊपर का लेयर होगा और एक अंदर में होगा। ऊपर का लेयर हमारा पतला होगा, अंदर का लेयर थोड़ा मोटा होगा, इसलिए ये अंदर वाला लेयर थोड़ा मैं ज्यादा ले रही हूँ और ऊपर का लेयर कम। ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें सारा मैं डालूंगी। देखिए ये पाउडर है, फ्रूट कलर है। ये पाउडर वाला भी मिलता है और लिक्विड भी वाला भी मिलता है। मैं इसमें थोड़ा वाटर डालकर ये कलर को इसमें डालूंगी। अवेलिना एसेंस मैं 2-3 ड्रॉप डालूंगी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इसमें टूटी फूटी भी डाल सकते हैं, मगर मेरे पास टूटी फूटी है नहीं।
लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं रहा है टूटी फूटी। ये सिल्वर फॉइल है, अब हम ये इसको हम इसी में रखेंगे। इसको हम चौकोर से, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप, चौकोर शेप, कोई भी शेप देते हैं। मैं ये चौकोर से दे रही हूँ। अब ये हम फ्रीज में 15 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छा से सेट हो जाए। देखिए अभी फ्रीज में सेट हो चुका है। अब वो जो मैं और रखी थी अलग से बैटर, इसमें हम घी लगा देंगे। आप अलग सिल्वर फॉइल भी ले सकते हैं, मैं इसी को यूज़ कर ले रही हूँ। और बेलन में हम घी लगा लेंगे और हम इसको पतला लेयर करेंगे। देखिए पतला लेयर हो चुका है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे बीच में, इसको ऐसे करेंगे। इसको हम फिर फ्रीज में सेट करने के लिए रखेंगे। देखिए फ्रेंड ये सेट हो चुका है। ये सेट हो चुका है। आप इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ऐसे पीसेस में काटिएगा। देखिए कितना देखने में कितना लाजवाब लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स तैयार हो गया। आपके मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आप भी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल।